आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है कि एक्स अक्ष और बिंदु 3-1 और 4-2 को मिलाने वाली रेखा के बीच अपने को यहाँ पे कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन पहले यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास हो गया इसका एक्स अक्ष और यहाँ पर हमारे पास कोई रेखा इस प्रकार या कोई दूसरी रेखा हो गई। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेखा है दो बिंदु से होकर गुजरती है। एक तो अपने पास बिंदु दे रखा है इसका यहाँ पे 3-1, इसको मान लेते हैं बिंदु ए है। और ये हो गया मेरे पास में बिंदु बी, इसका मान दे रखा है अपने पास 4-2। और ये हो गया अपने पास में एक्स अक्ष यानी कि वाई बराबर 0, हमारे पास एक रेखा हो गई। तो अब बोल रहा है कि अपने को इनके बीच का कोण यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो रेखा के बीच कोण कैसे होता है। ये हमारे पास इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा मोड ऑफ m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 m2। तो हमें क्या चाहिए, अब इन दोनों रेखाओं की यहाँ पे प्रवणता m का मान चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो अपने पास यहाँ पे x अक्ष है इसकी प्रवणता है m1 और जो अपने पास यहाँ पे दो बिंदु दे रखी है तो इसकी रेखा की हमारे पास यहाँ पे m2 प्रवणता है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष की जो प्रवणता क्या होती है, m1 का हो जाएगा 0 क्योंकि x अक्ष की प्रवणता होती है हमारे पास में 0 और m2 का मान हम इन दोनों बिंदु से निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कि m2 बराबर हो जाएगा -2 - -1, ये तो जाएगा -2 - -1 / 4 - 3 हो गया अपने पास -2 + 1/1 बराबर हो जाएगा -1, यानी m2 का मान आ गया -1 और m1 का मान आ गया 0। तो क्या करेंगे, m2 और m1 का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कि tan थीटा बराबर हो जाएगा -1 - 0 अपॉन में जाएगा 1 + -1 × 0 बराबर आ गया अपने पास में tan थीटा बराबर हो जाएगा -1 अपॉन में 1। तो इसका माना जाएगा अपने पास में tan थीटा बराबर में 1। हेलो फ्रेंड्स, में दे रखा है यहाँ पे कि एक्स अक्ष और बिंदु 3-1 और 4-2 को मिलाने वाली रेखा का अपने को यहाँ पे समीकरण के रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि ये अपने पास में हो गया एक इसका एक्स अक्ष, हमारे पास ये कोई एक ऐसी रेखा हो गई। तो इसको मान लेते हैं अपन यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स अक्ष यानी कि वाई बराबर 0 और इस पे कोई दो बिंदु हैं। एक बिंदु मान लेते हैं अपन ये अपने 3-1 और एक बिंदु हो गया अपने पास यहाँ पे इसका 4-1। तो इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी। तो अब अपने क्या करना है कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं अपने पास ये क्या हो जाएगा, इसके दो कोण होंगे। एक कोण तो होगा मेरे पास यहाँ पे ये, इसको मान लेता हूँ थीटा। एक मेरे पास होगा ये कोण, इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ पे फाई। तो हम जानते हैं कि यदि अपने पास यहाँ पे ये क्या है, एक रेखा है, सरल रेखा एक्स अक्ष है, उस पर बने हुए दो कोण है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा θ + φ = 180 डिग्री। क्या हो गया, अपने पास दोनों आसन कोण है तो इनका योग अपने पास में 180 डिग्री बराबर आ गया। अब अपने क्या करना है, इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस थीटा का मान यानी कि न्यून कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर मोड ऑफ m2 - m1/1 + m1 m2। ये हमारे पास होता है कि इसका फॉर्मूला tan थीटा में, जहाँ पे थीटा क्या है, एक न्यून कोण है। तो अब हमें यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करने के लिए m1 और m2 का मान पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि x अक्ष का हमारे पास जो प्रवणता होती है कितनी होती है, इसको मान लेते हैं हम m1, तो इसका मान होता है अपने पास में 0। जो दूसरी वाली रेखा है इसके हम यहाँ पे मान लेते हैं प्रवणता m2। तो m2 का मान अपन इन दोनों बिंदुओं से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कि m2 बराबर हो जाएगा अपने पास में -2 - -1 अपॉन में हो जाएगा अपने पास में 4 - 3 बराबर आ गया अपने पास -2 + 1/1। तो यहाँ से आ गया m2 - 1, यानी m2 का मान आ गया -1 और m1 का मान आ गया अपने पास में 0। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर आ गया मोड ऑफ -1 - 0 / 1 + -1 × 0। तो यहाँ से आ गया अपने पास में tan थीटा बराबर में मोड ऑफ -1 / 1 बराबर आ गया अपने पास में 1, यानी कि tan थीटा का मान 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर हो गया मेरे पास में यहाँ पे tan 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान आ गया अपने पास में यहाँ पे 45 डिग्री। तो एक तो कोण आ गया मेरे पास में न्यून कोण आ गया 45 डिग्री और एक हो गया मेरे पास में फाई, यानी अधिक कोण कितना हो जाएगा
हो जाएगा अपने पास फाई बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 45 डिग्री, बराबर आ गया अपने पास में ये 135 डिग्री। तो अपने पास जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें तीनों क्या है हमारे पास, यहाँ पे अधिक कोण दे रखे हैं, तो अपने पास इसमें आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट से हो जाएगा कि यहाँ पे कोण कितना होगा 135 डिग्री होगा, ये हमारे इसका आंसर हो गया। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।